गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 7, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजी। सो एक बार फिर हम ध्यान देंगे कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स सिस्टम इज कंसीडर्ड एज फिजियोलॉजी। और सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। सो हमारी जो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स सिस्टम इज कंसीडर्ड एज फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है जो किस तरह से काम करता है, उनका आपस में किस तरह से, मतलब कौन से पार्ट काम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो कौन से पार्ट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है इनकी। कि हम लेग्स की बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, देन टायर्ड हो रहे हैं, तो हमारी फिजिकली हम टायर्ड हो रहे हैं, फैटिग हो रहे हैं, तो हमारी लेग्स में पेन होना स्टार्ट होता है, लेकिन हम एक्सरसाइज कार्डियो की कर रहे होते हैं, रिलेट टू कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। सो इसी तरह हमारे म्यूचुअल जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं आपस में, उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होती है। तो आफ्टर दैट हम बात करें इंजरीज की, तो स्पोर्ट्स के साथ इंजरीज आर ए कॉमन वर्ड, इट्स अ नेचुरल। सो यहाँ पे इंजरीज की हम सेकेंड टॉपिक में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इसके अंदर एक डेफिनेशन है स्पोर्ट्स मेडिसिन की, कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, विच डील विद फर्स्ट एड, यानी कि ग्राउंड के अंदर अगर हमें किसी भी टाइप की कोई इंजरी होती है, देन जस्ट उसका जो ट्रीट दिया जाता है, जो टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट लाइक फर्स्ट एड। सो स्पोर्ट्स मेडिसिन इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद फर्स्ट एड, ट्रीटमेंट, क्योरिंग, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजरी कॉज इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मेडिसिन तो वही हुआ कि जो एकदम से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए, रिहेबल करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए, क्योर करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए या ठीक करने के लिए जो सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, फर्स्ट एड जो यूज़ की जाती है, दैट्स लाइक ए स्पोर्ट्स मेडिसिन। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन एंड्योरेंस, एंड्योरेंस को इफेक्ट करने वाले फिजियोलॉजिकल फैक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एंड्योरेंस। वी हैव 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि 5 फिजिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। ये 5 कंपोनेंट होते हैं। सो फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स सहन करना किसी चीज़ को कितने टाइम तक विदाउट एनी फैटिग। सो इसकी डेफिनेशन बनती है कि इट इज़ एन एबिलिटी टू विदस्टैंड फैटिग, इट इज़ एबिलिटी टू विदस्टैंड फैटिग, किसी भी काम को थकावट के साथ भी करते रहना, दैट्स लाइक योर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस जनरली यहाँ पे 2 टाइप्स की बताई है, एरोबिक एंड एनारोबिक। द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स विद डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस आर, द फर्स्ट पॉइंट आपका आता है मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक। मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक रेफर्स टू हाइएस्ट रेट एट विच ऑक्सीजन कैन बी टेकन अप एंड कंज्यूम्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। बहुत हाई लेवल के ऊपर हम जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं हमारी एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हमारी बॉडी को जितनी कम एक्सरसाइज, जितनी कम ऑक्सीजन मिलेगी हमें, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी भी एक्टिविटी को करने में। सो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए, दिस इनहेंस ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज विल इम्प्रूव माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन एंड सिक्योस्केलेटल एंड्योरेंस इम्प्रूव, यानी कि हमारी एंड्योरेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज पल्मोनरी डिफ्यूजन। पल्मोनरी डिफ्यूजन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड द ब्लड। पल्मोनरी डिफ्यूजन क्या है कि एक्सचेंज करने में हमारे लंग्स और ब्लड के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है। मोर एंड फास्टर पल्मोनरी डिफ्यूजन इम्प्रूव द एंड्योरेंस, और वो जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ
उसको डिफ्यूज़ करेगा उतनी ही ज़्यादा, जितनी स्पीड से हमारी पल्मोनरी डिफ्यूजन उसको डिफ्यूज़ करेगी उतना ही हमारी एंड्योरेंस जो है इम्प्रूव होएगी। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि एक मिनट के अंदर हमारा ब्लड कितना ब्लड पंप आउट करता है वो होता है कार्डियक आउटपुट। डेफिनेशन बनती है इसकी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप आउट इन वन मिनट। हमारी बॉडी को जो सर्कुलेट करते हैं हम ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं हमारे वर्किंग टिश्यूज़ को, दैट्स लाइक ए कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट आपका आता है सॉरी ब्लड वॉल्यूम एंड फ्लो। एंड्योरेंस एक्टिविटीज नीड सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। एंड्योरेंस की जो एक्टिविटी होती है उसमें हमारी बॉडी को हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, जो ट्रांसपोर्टेड करते हैं ब्लड के थ्रू। द रेगुलर ट्रेनिंग इंक्रीजेज द हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर एक्सरसाइजेस करने से, रेगुलर प्रैक्टिस करने से, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने से। ब्लड प्लाज्मा बाय विच एंड्योरेंस इज बूस्टेड, और आरबीसी बढ़ने के कारण ही, बढ़ने के साथ साथ हमारी एंड्योरेंस भी इसके अंदर इम्प्रूव होती है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट आता है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ कॉज स्वेटिंग। हम बहुत सारी बहुत ज़्यादा हार्ड एक्टिविटी करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो खो देते हैं, वो बाय यूरिनल बाय स्वेटिंग इस तरह से। तो एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ कॉज स्वेटिंग एंड लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स, दस सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड विच हेल्प्स टू इम्प्रूव एंड्योरेंस। तो एक सफिशियंट नीड होती है हमें पानी की हमारी एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें पांच कंपोनेंट हैं टोटल, तो सेकंड हमारा कंपोनेंट आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट और ओवरकम रेसिस्टेंस। स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू रेसिस्ट और ओवरकम रेसिस्टेंस। हमारी जो मसल जो एग्जर्ट करती है फोर्स, दैट्स लाइक योर स्ट्रेंथ। जनरली ये तीन टाइप्स की होती है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये फाइव कंपोनेंट्स आप बहुत अच्छी तरह से इलेवंथ क्लियर कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे वापस रिपीट हो रहे हैं इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होएगी नहीं इस चैप्टर को ज़्यादा समझने में। तो ये तीन टाइप्स का होता है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट आपका मसल कवरिंग सर्कोलेमा, फर्स्ट पॉइंट आपका आता है। इसके अंदर है कि द मसल फाइबर कवरिंग सर्कोलेमा बाइंड्स द मसल फाइबर टू वॉक टुगेदर। द सर्कोलेमा कवरिंग इंक्रीज द मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हेल्प्स इन स्ट्रेंथ कंपोनेंट। हमारी मसल की जो कवरिंग होती है, हमारे जो बोन्स हैं, टेंडेंस हैं, उनको जो ढक के रखने का जो कवरिंग पार्ट होता है जो सर्कुलेमा बोलते हैं इनको, वो मसल फाइबर के साथ जुड़ के काम करते हैं। वो दोनों एक साथ काम करते हैं, मसल के फाइबर जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है, रेड मसल फाइबर, वाइट मसल फाइबर, जुड़ के काम करते हैं। द सर्कुलेमा कवरिंग इंक्रीज द मसल क्रॉस सेक्शनल, तो वो सर्कुलेमा जो कवर कर लेता है और हमारी इंक्रीज करता है मसल पावर को और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है।